गांधी इतनी रफड़े इसलिए करते क्योंकि वो हिंदुओं के हत्यारे थे और उन्होंने हमेशा देश के विभाजन को और देश की एकता खंडता को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। तीस जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद से हर साल इस दिन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहां अहिंसा दिवस और शहीद दिवस के तौर पर याद किया जाता है, वहीं इसी हिंदुस्तान में आज भी गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नाना आपटे की विचारधारा को मानने वाले और इनकी मूर्तियाँ बनाकर भगवान की तरह पूजने वाले लोग भी मौजूद हैं। इसी हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां हर साल गांधी जी की पुण्यतिथि को गांधी वध और शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है और गांधी के हथियारों को भारत देश के वीरों और हीरो की तरह पेश किया जाता है। गांधी के इस देश में उत्तर प्रदेश का ये शहर है मेरठ, जहां हिंदू महासभा के इस कार्यालय में गोडसे और नाना आपटे की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए गांधी को कसूरवार समझने वाली हिंदू महासभा आज भी गांधी की हत्या को उचित ठहराती है और हिंदू महासभा के सदस्य रहे गोडसे को एक क्रांतिकारी के तौर पर प्रस्तुत करती है। मेरठ के शारदा रोड पर मौजूद हिंदू महासभा के इस कार्यालय में हर साल 30 जनवरी को हवन पूजन का आयोजन किया जाता है और नाथूराम गोडसे और नाना आपटे की मूर्तियों की आरती की जाती है। आज हमारे परम योद्धा नाना हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे और नाना आपटे का जयकारा लगाते हैं। हिंदू महासभा के ये कार्यकर्ता गोडसे, आपटे और सावरकर की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते रहते हैं। आज हिंदू महासभा कार्यालय मेरठ की इस ऐतिहासिक पौराणिक भूमि पर, जहां विश्व के सर्वप्रथम श्री नाथूराम गोडसे और नारायण नाना आपटे जी की प्रतिमा स्थापित है, उस पूज्य स्थान पर हिंदू महासभा के प्रोद्धा कहे जाने वाले पंडित अशोक कुमार शर्मा जी के पावन सानिध्य में उनके आदेश अनुसार गांधी वध के दिन को शौर्य दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं ने यहां एकत्रित होकर भगवान श्री के चरणों में नमन करते हुए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए गांधी वध को करने वाले श्री नाथूराम गोडसे और नारायण नाना आपटे जी की पूज्य आत्मा को नमन किया और हवन पूजा अनुष्ठान कर उन महान आत्माओं का स्मरण करते हुए भगवान श्री से यही निवेदन किया कि जब जब भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर गांधी जैसा कोई व्यक्ति, लाखों हिंदुओं के हत्यारे कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होगा तो उसे मिटाने के लिए भगवान श्री अपना आशीर्वाद दें और कभी भी वैसा व्यक्ति धरती पर पैदा ना हो। आज अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर सर्वप्रथम श्री नाथूराम गोडसे जी और बाबा नाना आपटे जी का स्मरण करते हुए हवन पूजा अनुष्ठान किया गया। फिर भूत प्रेत को भगाने वाले, भगवान संकट को हरने वाले देवता भगवान श्री हनुमान जी महाराज के संपूर्ण हनुमान चालीसा के पाठ का स्मरण किया गया और भगवान श्री से यही निवेदन किया गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग मिटे सब पीड़ा, जपत निरंजन हनुमत वीरम, मतलब हनुमान जी का नाम जपने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े भूत प्रेत भग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जो गांधी बात का झूठा एक प्रेत आत्मा, गांधी के नाम की प्रेत आत्मा भटक रही है, वो प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाए, जिसके लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया। और रही बात गांधी से नफरत की, आपने जो अभी सवाल किया, तो ये है कि 42 लाख लोगों के हत्या जाता गांधी भारत के विभाजन के समय। अगर 42 लाख लोगों की हत्या हुई तो गांधी के कारण हुई, भारत का विभाजन हुआ तो गांधी के कारण हुआ, भारत की लाखों बहन बेटियों गांधी के कारण हुए। तो हम जब से लेकर आज तक गांधी से हमेशा यही कह, मतलब गांधी इतनी रफड़े इसलिए करते क्योंकि वो हिंदुओं के हत्यारे थे और उन्होंने हमेशा देश के विभाजन को और देश की एकता खंडता को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। विडम्बना यह है कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के हत्यारे 15 नवंबर 1949 को फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने के बाद भी हमारे देश के कुछ लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और इनके विचारों को पोषित और प्रेषित करने का जरिया बन रहे हैं। आज हिंदू महासभा के इस कार्यालय से भारत सरकार से तीन मुख्य रूप से एक ही मांग की गई है, पंडित अशोक कुमार शर्मा जी, हमारे विश्व हिंदू पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आचार्य मदन जी और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भारत सरकार से आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये मांग की है कि भारत
का राष्ट्रपिता कहलाने का अधिकार गांधी को ना था, ना है, ना कभी रहेगा। तो सबसे पहले गांधी का राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म होना चाहिए। और गांधी अकेले ऐसे महापुरुष नहीं थे जिन्होंने भारत के आजादी के लिए, जो लोग कहते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए, बहुत बड़ा योगदान दिया। उनसे ज्यादा अनेकों महापुरुषों ने यह जन्म लिया। तो आज हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि गांधी अगर कहीं का राष्ट्रपिता हो सकता है तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हो सकता है, क्योंकि 1947 के विभाजन के समय हमारे भारत की स्थापना नहीं हुई थी और स्थापना हुई थी पाकिस्तान की। तो गांधी अगर फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहलाने लायक है, तो पाकिस्तान के हैं, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाते, हिंदुस्तान धर्मशाला बन जाता। तो आपको और आपके साथी नाना आपके जी को बारंबार नमन। और इस महायुद्ध में जिस जो व्यक्ति आपके साथ शामिल हुए उन सबको नमन, और जिन व्यक्तियों ने उसमें सजा खाई उनको नमन, जिन व्यक्तियों ने मुकदमा लड़ा उनको भी नमन, और पूरी हिंदू महासभा का नमन, और साथ में पंडित अशोक शर्मा जी, श्री आचार्य मदन जी और निशान चिंतन जी को एक बार फिर पुनः नमन। जय हिंदू राज, जय हिंदू राज।